स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज हम झटपट लौकी की बर्फी बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। लेकिन लेकिन जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज पहले वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ मैंने 500 ग्राम लौकी ली है। इसकी मैंने दोनों किनारे काट दी है, लौकी को छील लिया है और मैंने अच्छे से इसे धो लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें एक चम्मच हम घी डालेंगे। इसमें हम कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे और इसे हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही भुनेंगे। लौकी को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। 1 कप इसमें हम दूध डालेंगे और लौकी को सॉफ्ट होने तक हम कम गैस पर पकने देंगे। घी का फिर से डालेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और 1/2 कप लगभग हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो कम डालें। और इसको भी हम सूखने तक चलाएंगे, अच्छे से मिला देंगे। वो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे से सुखाएंगे और लौकी भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। लगातार चलाते हुए मिलाया है। ये हमारे जमने वाली कंडीशन में है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। ये मैंने बर्फी की ट्रे में घी लगा लिया है। इसमें हम इसको पलट देंगे और सेट कर देंगे। बर्फी को हमने एक साथ सेट कर लिया है। इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम डालेंगे। इसको हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। के बाद हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। ये अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके हम पीस करेंगे। अब हम इसके पीस निकालेंगे और इसको एक सर्विंग प्लेट में रखेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। झटपट से बनने वाली लौकी की बर्फी बनकर बिल्कुल